मैं आज महिलाओं में होने वाले एक और तकलीफ देह सिम्टम के बारे में बात करने वाली हूँ, इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसको हम लोग कॉमन टर्म्स में यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे यूरिथ्रा, जिससे हम यूरिन पास करते हैं, उसके थ्रू हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रवेश पा जाते हैं। काफ़ी हद तक ये महिलाओं का, क्योंकि यूरिथ्रा जो होता है, जहाँ की ब्लैडर से यूरिन बाहर आता है, वो महिलाओं में बहुत छोटा होता है, और इस वजह से उसमें इन्फेक्शन अंदर जाने की संभावना बढ़ जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जो कि टॉयलेट यूज़ करते समय जेट का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, जो बार बार अपने आप को क्लीन करने में और केमिकल्स वगैरह यूज़ करती हैं, लोकल हाइजीन का पूरा ध्यान नहीं रखती हैं, अंडर क्लोथ्स को फ्रीक्वेंटली बदलती नहीं हैं, और पानी कम पीती हैं, यूरिन पास करने में देर कर देती हैं, कि जब होल्ड करके रखती हैं, इसलिए बैक्टीरिया को अक्यूमुलेट होने का या इकट्ठा होने का ज़्यादा मौका मिल जाता है। और उसके अलावा उन लोगों को हो सकता है कि इन्फेक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, या उनको कोई और डिजीज़ वगैरह हो। फंगल इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन कई बार डायबिटीज़ वगैरह जिनको हो, उनको महिलाओं को इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। मेनोपॉज के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान भी यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में इसलिए कि आपकी बच्चेदानी या गर्भाशय है जो बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ड्रेनेज ऑफ यूरिन पर थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, जिसमें कि यूरिन होल्ड अप हो जाता है। और पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में क्या होता है कि उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो लेवल कम होने लगते, तो जो बैक्टीरिया हमारे वजाइना को और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। फिर इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि आपको बार बार यूरिन जाने की तकलीफ हो, पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में या पेट में आपको दर्द हो, कई बार अगर आपके शरीर में पथरी वगैरह हो या पॉलिप या कोई ग्रोथ हो, तो भी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो या यूरिन में ब्लड आना भी उसका एक सिम्टम होता है। कभी कभी कई महिलाओं को यह इन्फेक्शन इतना सिवियर हो जाता है, क्योंकि शुरू में उसको नज़रअंदाज कर देती हैं, कि इसके वजह से बहुत हाई फीवर, जाड़ा दे करके कपकपाहट से बुखार आता है। ऐसी स्थिति में उन लोगों को कई बार हॉस्पिटल में एडमिट कर करके नस द्वारा भी इंट्रावेनस इंजेक्शंस दे करके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। कई बार पहली बार डायग्नोज किसी का डायबिटीज़ यूरिन इन्फेक्शन के जरिए ही होता है, क्योंकि जब टेस्ट किए जाते हैं तो पता चलता है कि पेशेंट डायबिटिक भी है। तो ये सारे टेस्ट करा करके सूटेबल एंटीबायोटिक आप लीजिए तो आप बिल्कुल इससे ठीक रहेंगे। इससे बचा कैसे जाए? पानी ज़्यादा पीजिए, कोशिश करिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी और एसिडिक फूड ना खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए वो एसिड को बाहर निकलने के लिए हम लोगों को ज़रूरत होती है ज़्यादा मात्रा में पानी पीने की। इसके अलावा आप बार बार कोई केमिकल्स ना यूज़ करें, जो कि मैं काफ़ी इस चीज़ पर स्ट्रेस करती हूँ। तीसरी चीज़ है कि आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में या कॉन्स्टिपेशन या स्टूल वगैरह जो है उसको भी ना रोकें, ना यूरिन जाने की चाहत को भी ज़्यादा देर होल्ड करें, क्योंकि उससे भी बैक्टीरिया होल्ड अप हो जाते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से अगर हो रहा है बार बार आपको, क्योंकि कई बार महिलाओं को हनीमून सिस्टाइटिस जिसको बोलते हैं, शादी के तुरंत बाद उनको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार दोनों पार्टनर्स को भी, चाहे वजाइनल इन्फेक्शन हो चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, दोनों को भी एग्जामिन करने की और उनके टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो इसलिए पानी ज़्यादा पिएं, स्वस्थ रहें, और तकलीफ़ हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।